गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विज्ञान सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए रोजाना वोकैबुलरी की क्लासेस लेकर आ रहे हैं, तो आज हम लेकर आए हैं डेली वोकैबुलरी का पार्ट नंबर 3। ठीक है ना, तीसरा वीडियो है आज हमारा, तो जिसमें हम देखेंगे कि कुछ वर्ड्स के बारे में जानेंगे और उनके सिनोनिम्स भी देखेंगे, ठीक है ना, और उनका मीनिंग भी देखेंगे। तो आपको डेली इनको यूज करना है 15 से 20 बार हर वर्ड को, जिससे आपको लर्न हो जाए, ठीक है ना। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कुछ हेल्पफुल लगता है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको समय समय पर हमारे जो वीडियो अपलोड होते रहे तो उससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा 11th वाला जो वर्ड है वो है होस्टेज। तो होस्टेज का मतलब क्या होता है, तो हम इसको बताते हैं आपको। हम इसलिए डबल बार आपको बताते हैं लिख के, क्योंकि आपको लर्न हो जाए जल्दी से, कि जैसे हमने बात करी होस्टेज की, जो कि 11th वाला वर्ड है। तो होस्टेज को हम प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, प्रोनाउंस के रूप में कैसे प्रयोग करें, यानी कि उसको बोलचाल के रूप में कैसे बोलें, तो उसको होस्टेज ही बोलेंगे, सिंपल सी बात है। यदि उसका हिंदी मीनिंग देखना है कि उसका अर्थ क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, होस्टेज का अर्थ होता है, क्या होगा होस्टेज का अर्थ, बंदी या फिर कैदी। ओके, बंदी या फिर कैदी। यदि किसी को अगवा कर लिया जाए और उसे बंदी बना दिया जाए या फिर कैदी बना दिया जाए, तो वो इसका मतलब होता है होस्टेज का, कि किसी भी आदमी को या किसी भी व्यक्ति को बंदी या कैदी बना लिया जाए। तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, किस शब्द का प्रयोग करेंगे, होस्टेज शब्द का, ठीक है ना। तो ये तो हमने देख लिया कि होस्टेज को प्रोनाउंसिएशन होस्टेज कहते हैं और इसका मीनिंग होता है बंदी या फिर कैदी। परंतु इसकी फॉर्म कैसी होती है, तो इसकी फॉर्म होती है नाउन, ठीक है ना, नाउन होती है इसकी फॉर्म। तो इसकी फॉर्म नाउन होती है, जैसे कि हमने देख लिया है, यानी कि संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कभी कभी इसको वर्ब के रूप में भी प्रयोग कर लिया जाता है और नाउन के रूप में भी इसका यूज कर लिया जाता है, ठीक है ना। यदि हम इसके अब सिनोनिम्स की बात करें कि इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, इसके सिनोनिम्स जैसे कि आप देख सकते हैं, इनमेट हो गया, एबडक्टी हो गया। अब ये एबडक्टी जो वर्ड है वो किससे लिया गया है, तो वो एबडक्ट वर्ड से लिया गया है, ABDUCT, ठीक है ना। ये हमारे पास एबडक्ट वर्ड हो गया, इसका मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को अगवा करना या फिर उसे किडनैप करना, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, इसी से हमारा एबडक्टी वर्ड बनाया गया है, और ये हमारा किसका सिनोनिम है, होस्टेज का। तो होस्टेज का मतलब क्या होता है, बंदी या फिर कैदी होना, ठीक है ना। इसका एक और हम ले सकते हैं, जैसे कि आप देख भी सकते हैं कैप्टिव, तो इसके 3 सिनोनिम्स है, कैप्टिव, इनमेट एंड एबडक्टी, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे देखा कि होस्टेज एक नाउन है जिसका प्रोनाउंसिएशन होस्टेज होता है। इसका मीनिंग वाइज यदि हम बात करें कि मीनिंग क्या होती है, तो इसका मीनिंग होता है बंदी या फिर कैदी होना, ठीक है ना। इसका सिनोनिम्स की बात करी, पर्यायवाची की देखें हमने, कैप्टिव, इनमेट, एबडक्टी, यानी कि होस्टेज की जगह हम कैप्टिव का भी यूज करते हैं, इनमेट का भी यूज कर सकते हैं एंड एबडक्टी का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल क्या लिया कि द कैब ड्राइवर होस्टेज्ड द पायलट एंड लूटेड रुपीज 1 लाख। यदि इसका हिंदी मीनिंग देखें कि जो चालक होता है, ड्राइवर होता है, कैब ड्राइवर होता है, उसने अगवा कर लिया, होस्टेज कर लिया, किसको अगवा कर लिया, पायलट को किडनैप कर लिया और उससे लूट लिए 1 लाख रुपये, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात यहाँ पे हमें देखने को मिली कि द कैब ड्राइवर होस्टेज्ड द पायलट एंड लूटेड रुपीज 1 लाख। तो यहाँ पे हमने होस्टेज का यहाँ पे वर्ब के रूप में उपयोग किया, ठीक है ना। द कैब ड्राइवर होस्टेज द पायलट एंड लूटेड 1 लाख रुपीज। ओके, 1 लाख। तो सिंपल सी बात है कि जो कैब ड्राइवर था हमारे पास, उसने एक पायलट को किडनैप कर लिया, होस्टेज कर लिया और उससे 1 लाख रुपए लूट लिए। तो यहाँ पे हमने होस्टेज शब्द का इसलिए प्रयोग किया क्योंकि उसे किडनैप किया गया था, ठीक है ना। और ये जो होस्टेज है, ठीक है ना, होस्टेज का यूज हमने किस रूप में किया, वर्ब के रूप में किया। और ये कौन सी फॉर्म होती है वर्ब की, होस्टेज्ड, होस्टेज्ड एक थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना, होस्टेज। ओके, ये थर्ड फॉर्म है वर्ब की, थर्ड फॉर्म है। ओके,
ये भी हम बताते हुए चलते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए। तो इसके सिनोनिम्स के बारे में अभी हमने देख लिया था, एक बार हम और बताते हैं जिसका आपको और अच्छी तरह लर्न हो जाए, इनमैट, कैप्टिव और एबडक्टी। ओके, तो ये इसके कुछ सिनोनिम्स। अब हम आते हैं 12 वाले वर्ड पे। तो 12 वाला वर्ड है सेटबैक। ओके, तो ये सेटबैक क्या होता है इसके बारे में भी हम जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ आपके सिनोनिम्स दिए हुए हैं इसके सेटबैक के, तो दो रूप में दिए हुए हैं इसको, ठीक है ना। दो रूप में बताया गया है कि इसका मतलब तो क्या होता है, इसका मतलब होता है असफलता, पराजय या फिर हार। और ये जो हर्डल, हिंड्रेंस या इम्प्रेंस, इम्पीडिमेंट, ओके, और ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब दे रखते हैं, इसका मतलब होता है बाधा या फिर रुकावट होना, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, सेटबैक का मतलब क्या हुआ, सेटबैक एक नाउन है, ओके, या फिर इसको वर्ब के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। और यदि हम इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन होता है सेट बैक। ओके, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया सेट बैक। अब यदि इसका हिंदी अर्थ देखें तो जैसे कि हमने बात करी कि फेलियर, फियास्को, कुडो, हिच, ठीक है ना। क्या बात करी हमने कि फेलियर, फियास्को, कुडो, हिच, ओके। तो इनके हिसाब से इसका मतलब क्या होगा, इनके हिसाब से इसका मतलब होगा असफलता, पराजय या फिर हार। ओके, तो सिंपल सी बात है कि यदि आपको सेटबैक का मतलब जानना है तो सेटबैक के दो मतलब होते हैं, एक तो फेलियर के हिसाब से, फेलियर, फियास्को, हुडो या फिर हिच के हिसाब से, जिसका मतलब होता है असफलता, पराजय या फिर हार। और एक और होता है इसका मतलब, जैसे कि आप देख सकते हैं, हर्डल, हिंड्रेंस, इम्पीडिमेंट या ऑब्स्ट्रक्शन। क्या बात करी हमने कि हर्डल, हर्डल हो गया, इम्पीडिमेंट हो गया, इम्पीडिमेंट, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब बाधा या रुकावट ही होती है, या फिर आप देख सकते हैं हिंड्रेंस हो गया, ठीक है ना। तो आपको कहीं पर भी ये शब्द दिख जाए, हर्डल या फिर हिंड्रेंस दिख जाए या फिर आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिख जाए, या फिर आपको इम्पीडिमेंट दिख जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बाधा या फिर रुकावट। इन सभी का मतलब क्या होगा, बाधा या रुकावट, किसी भी चीज़ में बाधा आना या फिर रुकावट आना। जैसे कि हमने बात करी कि जो चंद्रयान 2 था उसमें बाधा आ गई, तो उसमें इसका मतलब हम सेटबैक का मतलब क्या लेंगे, इसके हिसाब से लेंगे हर्डल, हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इम्पीडिमेंट के हिसाब से क्या ले सकते हैं, बाधा या रुकावट। तो हमने सेटबैक के दो मतलब जाने, एक तो सेटबैक के दो मतलब जाने, ठीक है ना, सेटबैक लिख देता हूँ, सेटबैक के दो मतलब जाने। पहला था जो कि पराजय या हार या असफलता, ठीक है ना, जो कि हुडो आदि के हिसाब से था। और दूसरा मतलब है इसका, जैसे कि हमने देखा, बाधा या रुकावट, जो कि इम्प्लीमेंट, हर्डल इनके हिसाब से था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, सेटबैक एक नाउन या वर्ब है, इसको हम सेटबैक के रूप में प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, और इसका मतलब असफलता, पराजय या हार, जिस जो कि फेलियर, फियास्को, हुडो या हिच के हिसाब से होता है, और बाधा और रिकावट जो कि हर्डल, इंट्रेंस, इम्प्लीमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन के हिसाब से होता है, ठीक है ना। तो ये दो मतलब इसके होते हैं, ठीक है ना। और सिनोनिम्स के बारे में तो हमने बात ही कर ली, कौन कौन से, फेलियर हुआ, फियास्को हुआ, हुडो हुआ, हिच हुआ, हर्डल, इंट्रेंस, इम्प्लीमेंट एंड ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना। क्या है, हुडो, फेलियर, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए, ठीक है ना, याद हो जाए।
फियास्को, हुडो, हिच, फेलियर या फियास्को हो गए। और इसका मतलब तो जैसे कि हमने जान लिया, असफलता, पराजय या फिर हार, ठीक है ना। अब और भी हैं जैसे इसके सिनोनिम्स, जैसे कि हमने बात करी हर्डल, हिंड्रेंस, इम्पीडिमेंट, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो ये और हैं इसके मतलब सिनोनिम्स, इसका मतलब होता है बाधा या फिर रुकावट। तो ये हमने कुछ सिनोनिम्स के बारे में देखा है सेटबैक के। अब इसका एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं, सेटबैक का एग्जांपल लिया गया कि द लॉन्च ऑफ चंद्रयान टू फेस्ड ए सेटबैक एट द लास्ट मोमेंट। क्या बताया गया कि द लॉन्च ऑफ चंद्रयान टू फेस्ड सेटबैक एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षणों के अंदर जो हमारे पास चंद्रयान टू था, उसने अंतिम क्षणों के अंदर जो हमारे पास चंद्रयान टू था उसने किसका सामना किया? एक सेटबैक का सामना किया, यानी कि बाधा का सामना किया या फिर रुकावट का सामना किया, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि असफलता का सामना किया लॉन्च के अंतिम क्षणों के दौरान, ठीक है ना। एट द लास्ट मोमेंट, ओके, लास्ट मोमेंट यानी कि अंतिम क्षणों पे उसने सामना किया। किसने सामना किया? चंद्रयान टू ने, वो भी लॉन्च होते हुए। किसका? सेटबैक का, बाधा या रुकावट या फिर असफलता का सामना किया, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब हमने जान लिया, और इसका वर्ड के रूप में भी हमने मतलब एग्जाम्पल सेंटेंस के अंदर भी इसका प्रयोग कर लिया सेटबैक का, ठीक है ना। अब हम आते हैं एक और वर्ड पे जो कि एक ग्लिच, ओके। ग्लिच ग्लिच एक नाउन है और इसका मतलब होता है अस्थायी रूप से किसी भी संयंत्र का गलत या अनियंत्रित ढंग से काम करना, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि हमने बात करी ग्लिच, जो कि हमारा 13वां वर्ड है। तो ग्लिच का मतलब पहले तो ये है कि इसकी फॉर्म क्या होती है, नाउन होती है, ठीक है ना। और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ग्लिच, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अस्थायी रूप से किसी भी संयंत्र का अनियमित तरीके से काम करना, ठीक है ना। अस्थायी या अनियमित ढंग से, अनियमित ढंग से काम संयंत्र का काम करना, ओके। तो जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, द लॉन्च ऑफ चंद्रयान टू, वही वाला फेस्ड है सेटबैक ड्यू टू सम ग्लिचेस, ओके, सम ग्लिच। तो यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे बता देते हैं आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द लॉन्च ऑफ चंद्रयान टू फेस्ड ए सेटबैक ड्यू टू सम ग्लिच। तो ग्लिच का मतलब हमने जाना कि कोई भी, यदि उसके अंदर कोई भी मतलब यदि हम बात करें चंद्रयान टू के अंदर, चंद्रयान टू के अंदर कोई भी एक संयंत्र होगा, कोई भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा जो कि इक्विपमेंट होगा जो कि अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रहा होगा, टेम्परली कार्य नहीं कर रहा होगा, अस्थायी रूप से कार्य कर रहा होगा। तो सिंपल सी बात है, इसी कारण से वो जो हमारे पास चंद्रयान टू था उसको सेटबैक कर दिया गया, उसमें बाधा आई, ठीक है ना। असफलता उसको मिली, ठीक है ना। क्यों मिली? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी संयंत्र को लेकर। तो ग्लिच का मतलब क्या हुआ कि अस्थायी रूप से किसी संयंत्र का गलत या अनियमित ढंग से काम करना, ठीक है ना। तो कोई ऐसा संयंत्र था जो ग्लिच यानी कि अस्थायी रूप से या फिर गलत तरीके से काम कर रहा था। तो ग्लिच एक नाउन है जिसका प्रोनाउंसिएशन ग्लिच के देखा और इसका मीनिंग देख लिया कि कोई भी इक्विपमेंट का गलत तरीके से काम करना, इंस्ट्रूमेंट का कोई भी गलत तरीके से काम करना, इसका हमने
एग्जांपल भी लिया कि द लॉन्च ऑफ चंद्रयान टू फेस ए सेटबैक ड्यू टू सम ग्लिच। तो ग्लिच का मतलब क्या हुआ, कोई भी इक्विपमेंट गलत तरीके से काम कर रहा था, इसी कारण से जो हमारे पास चंद्रयान टू था उसको सेटबैक किया गया। असफलता उसको मिली, क्यों मिली, क्योंकि उसके अंदर कुछ ग्लिच प्रॉब्लम थी, यानी कि अस्थायी रूप से कोई उपकरण गलत तरीके से काम कर रहा था, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें, दोबारा से रिवीजन कर लें, होस्टेज देखा हमने इसके अंदर, इस स्लाइड के अंदर, जो कि एक नाउन था जिसका मतलब होता है बंदी या कैदी, इसका सिनोनिम्स आप देख सकते हो कैप्टिव, इनमैट, एब्डक्टी, ओके। एग्जांपल के रूप में हमने काम किया, मतलब देखा कि कोई भी कैब ड्राइवर था उसने होस्टेज कर लिया, यानी कि अगवा कर लिया कोई भी पायलट और उससे एक लाख रुपये लूट लिए, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे होस्टेज का मतलब क्या हुआ कि किसी भी व्यक्ति को कैदी बनाना या फिर बंदी बनाना, ठीक है ना। सेटबैक का हमने देखा कि एक नाउन या वर्ब है और इसका मतलब होता है असफलता, पराजय या हार, जो कि फेलियर, फियास्को, वुडो और रीच के हिसाब से होता है, और बाधा और रुकावट जो कि हर्डल, हिंड्रेंस, इंपीडिमेंट एंड ऑब्स्ट्रक्शन के हिसाब से होता है, ठीक है ना। इनके सिनोनिम्स भी यही है। एंड यदि हम बात करें एग्जाम्पल को लेकर, तो द लॉन्च ऑफ चंद्रयान टू फेस ए सेटबैक एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि अंतिम क्षणों के अंदर जो हमारे पास चंद्रयान टू था उसने सेटबैक का सामना किया, यानी कि बाधा का सामना किया या रुकावट का सामना किया, क्योंकि उसके अंदर कुछ ग्लिच प्रॉब्लम थी। ग्लिच जैसे कि एक नाउन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोई इक्विपमेंट गलत तरीके से काम करता है, कोई भी संयंत्र यदि गलत तरीके से काम करता है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ग्लिच वर्ड का यूज करते हैं। तो कुछ मतलब उसके अंदर ग्लिच प्रॉब्लम थी चंद्रयान टू के अंदर, इसी कारण से उसने सेटबैक का सामना किया, असफलता का सामना किया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब हमारे पास जो 14 वाला वर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपिल। रिपिल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है रद्द करना या फिर निरस्त करना, ठीक है ना। हम बात कर रहे थे रिपिल को लेकर, जो कि 14 वाला वर्ड है, 14वां वर्ड है। तो सिंपल सी बात है, रिपिल का यदि हम देखें तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है रिपिल, ओके। और ये एक क्या है, वर्ब है, क्रिया है, ठीक है ना। इसको क्रिया के रूप में उपयोग किया जाता है। और इसका यदि हम अर्थ देखें रिपील का, तो रिपील का अर्थ होता है किसी भी चीज को रद्द करना या फिर निरस्त करना। अब वो रद्द करना या फिर निरस्त करना, किस हिसाब से रद्द करना और किस हिसाब से निरस्त करना, तो सिंपल सी बात है किसी भी नियम आदि को रद्द करना, ठीक है ना। नियम आदि को, यदि हम नियम आदि को रद्द करते हैं तो वहां पे हम रिपील वर्ड का यूज करेंगे, लेकिन हम और किसी चीज को रद्द करते हैं तो वहां पे रिपील वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा था कि यदि आपको कहीं पर भी रिपील दिख जाए तो वो एक वर्ब होती है, इसका मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन में रिपील, और मीनिंग वाइज यदि हम बात करें तो रद्द करना या फिर निरस्त करना, जो कि नियम आदि को लेकर किया जाता है, ठीक है ना, इसका यूज, ओके। तो सिंपल सी बात है, हमने रिपिक का मतलब भी जान लिया, रिपिक एक वर्ब है, रिपील का प्रोनाउंसिएशन रिपील होता है, इसका मतलब होता है रद्द करना या फिर निरस्त करना किसी भी नियम आदि को, जैसे कि बता दिया गया, मेंशन कर दिया गया है। अब इसका सिनोनिम्स भी देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स बताए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, रिवोक, रिसाइंड, अनवल, नलीफाई, एबोलिश, एब्रोगेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम इसको, रिवोक हुआ, नलीफाई हो गया, रिसाइंड हो गया, एब्रोगेट हो गया, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। जैसे कि आप और भी देख सकते हैं, एनुअल हो गया, एनल, ठीक है ना, या फिर एबोलिश भी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा रिपील का मतलब, इसका मतलब रद्द करना या निरस्त करना होता है, और ये एक वर्ब है। इसके कुछ हमने सिनोनिम्स के बारे में देखा कि ये रिवोक, रिसाइंड, एनल, नलीफाई, एबोलिश, एब्रोगेट, ये इसके सिनोनिम्स हैं। परंतु इसका एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हैं, द लॉ वाज रिवोक्ड बाय द असेंबली, यानी कि सभा के द्वारा जो हमारे पास कानून था उसको रद्द कर दिया गया, रिवोक कर दिया गया, यानी कि निरस्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, एंड इट कैन नॉट बी कॉम्प्लाइड नाउन, यानी कि अब इस नियम का अभी से पालन नहीं किया जाएगा। तो कॉम्प्लाइड का मतलब क्या होता है, जो हमारे पास कॉम्प्लाइड आया है वो कॉम्प्लाई से आया है, हमारे पास कॉम्प्लाइड वर्ड आया है वो किससे आया है, कॉम्प्लाई से आया है,
और कॉम्प्लाई का मतलब होता है पालन करना, ठीक है ना। कॉम्प्लाई का मतलब क्या होता है, पालन करना। ओके, तो सिंपल सी बात है कि जो हमारे पास सभा में बैठक हुई और उसमें क्या बताया गया कि जो हमारे पास लॉ है, ठीक है ना, लॉ होगा उसको रिवोक कर दिया गया, यानी कि कोई भी कानून को निरस्त कर दिया गया असेंबली के अंदर सभा में, और अब उसे बताया जा रहा है कि अब इस पर कोई भी पालना नहीं की जाएगी अभी से, ठीक है ना। तो ये हमने एक सेंटेंस का यूज कर लिया रिपील के अंदर, ठीक है ना। वहाँ पे हमने रिवोक का यूज किया जो कि एक वर्ब है, रिपील का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एनल का भी, नलिफाई, एबोलिश, एब्रोगेट, किसी का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सब इसके सिनोनिम्स हैं। अब हम आते हैं 15 वाला वर्ड के अंदर जो कि एक कंसेंसस, ठीक है ना। अब कंसेंसस एक नाउन है जिसका मतलब होता है सहमति। इसके आप देख सकते हैं सिनोनिम्स एकॉर्ड, एग्रीमेंट, हारमोनी, कंसर्स सॉरी कंक्यूरेंस एंड अनएनिमिटी, कॉनकॉर्ड। ओके, ये इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। तो हमने देखा कंसेंसस को, कंसेंसस एक नाउन है, क्या है ये, नाउन है, संज्ञा है, और संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका यदि हम देखें प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से तो कंसेंसस को कंसेंसस भी किया जाएगा, प्रोनाउंसिएशन यानी कि साउंड वाइज, साउंड के रूप में, यदि हम इसको बोलचाल के रूप में देखें। तो अब इसका मीनिंग वाइज देखते हैं, मीनिंग क्या होता है कंसेंसस का, मीनिंग होता है इसका सहमति, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ की सहमति प्रदान करना, ठीक है ना। अब यदि हम इसके कुछ जैसे कि सिनोनिम्स की बात करें तो अकॉर्ड, एग्रीमेंट, हारमोनी, कंक्रेंस, एनानिमिटी, कॉनकॉर्ड, ठीक है ना। क्या बात करिए हमने कि एकॉर्ड, इसके कुछ सिनोनिम्स की बात करी हमने कि इसका एकॉर्ड हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, कॉन्क्रेंस होता है, और कॉनकॉर्ड भी हो सकता है। तो ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं जैसे कि हमने देखा, और भी हैं जैसे कि हारमोनी हुआ या फिर अनानिमिटी हो गया, तो इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में भी हम यूज कर सकते हैं द बिल इन द असेंबली, यानी कि सभा के अंदर जो बिल पारित हुआ वच पास्ट, उसको सहमति प्रदान कर दी गई विद कंसेंसस, यानी कि सहमति प्रदान कर दी गई, ठीक है ना, सहमति के साथ उसको पास किया गया, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि जो सभा के अंदर बिल पारित हुआ, बिल पारित हुआ, जो बिल पास हुआ वो सहमति के साथ हुआ, कंसेंसस के साथ हुआ, विद कंसेंसस यानी कि सहमति प्रदान की गई सभा के अंदर जब भी वो बिल पारित हुआ, पास हुआ, ठीक है ना। तो सहमति के साथ सभा में बिल को पास किया गया। ओके, यहाँ इस स्लाइड भी, ये स्लाइड भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। इस स्लाइड के अंदर हमने जाना कि जो हमारे पास 14 वाला वर्ड था जो कि रिपील था, इसका मतलब होता है रद्द करना या निरस्त करना परंतु नियम आदि को, ठीक है ना। इसका सिनोनिम रिवोक, रिसाइंड, एनुअल, नलीफाई, एबॉलिश, एब्रोगेट होते हैं, जैसे कि हमने सेंटेंस के अंदर भी इसका यूज किया। कंसेंसस एक नाउन है जिसका मतलब होता है सहमति प्रदान करना, जिसके आप सिनोनिम्स देख सकते हैं अकॉर्ड, एग्रीमेंट, हारमोनी, कंक्रेंस, अनैनिमिटी एंड कॉनकॉर्ड, जैसे कि इसका सेंटेंस के रूप में भी हमने यूज कर लिया। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान जिसके अंदर हम 5 वर्ड्स और लेकर आएंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए थैंक्स।